गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी शैल कंप्लीट द चैप्टर द थीव स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड फॉर क्लास 10th फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। लेट्स डू द रीडिंग। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। अगर आप लोगों से रीजन पूछ ले कि टिकट ऑफिस में क्यों नहीं रुका, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी टिकट खरीदा ही नहीं। बट डैस्ट मीन्स होता मूव्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। सीधा वो प्लेटफॉर्म पे चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस अभी जाने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन को भी स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेजेज। कैरेजेज मीन्स होता बॉक्स, उसका डिब्बा, और मैं किसी भी डिब्बे में जंप करके चढ़ सकता था। बट आई हैजिटेटेड। हैजिटेटेड मीन्स होता स्टॉप्ड। मैं कुछ पल के लिए हिचकिचाया। फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन। पता नहीं क्या रीज़न था, मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो मेरे से गुम हो गई। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means होता lonely. जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को एक deserted platform पे खड़ा हुआ पाया। I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई विचार नहीं था कि मैं नाइट कहाँ पर स्पेंड करूँ। I had no friends. मेरे पास कोई मित्र नहीं था। Believing that friends were more trouble than help. और साथ में मैं इसलिए मैंने फ्रेंड नहीं बनाए क्योंकि मैं विश्वास करता था कि फ्रेंड्स हेल्प करने के बजाय ट्रबल ज़्यादा देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशंस। और मैं किसी व्यक्ति को उत्सुक भी नहीं बनाना चाहता था किसी एक छोटे से होटल में ठहर के स्टेशन के पास। द ओनली आई पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। यानी जो व्यक्ति जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता था वही था जिसको मैंने रोब किया था, लूटा था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार से धीरे धीरे चला। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप, यानी चोर के तौर पर जो मेरा छोटा सा करियर है, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसिस। मैंने प्रत्येक तरह के वो व्यक्तियों के फेसिस को पढ़ा। वैन दे हैड लॉस देयर गुड्स, जब उनकी चीज़ें गुम हो जाती हैं, यानी गुम होने पर लोगों के फेस उसने पढ़े हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है वो डर दिखाता है, यानी उसको डर होता है। द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर व्यक्ति में गुस्सा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति है वो एक्सेप्टेंस शो करेगा, मतलब वो स्वीकार कर लेगा अपनी लॉस को। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। लेकिन मैं जानता था अनिल का चेहरा जब वो उसको चोरी के बारे में पता चलेगा। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, कि उसके फेस पे सिर्फ क्या आएगी, सैडनेस आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के खो जाने से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के खो जाने पर। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। मैदान मीन्स मैदान। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने एक मैदान में अपने आप को अकेला पाया और एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। चिली मीन्स होता कोल्ड। रात बिल्कुल ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर के शुरुआत का दिन थे। एंड अ लाइट ड्रिजल, लाइट मीन्स होता है हल्के, ड्रिजल मीन्स होता है रेन, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, उससे मुझे अनइजी फील हो रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, जल्दी तेज बरसात होना शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। स्टक मीन्स होता स्टिक, चिपक जाना। मेरी जो शर्ट थी, पजामा थे, मेरी स्किन से स्टक हो गई, चिपक। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी पवन ने मेरे चेहरे पर रेन को दे मार। I went back to the bazaar and sat down on the in the shelter of the clock tower. मैं वापस बाजार में चला गया और क्लॉक टावर की शेल्टर में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिड नाइट, और क्लॉक में आधी रात का समय हो गया था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को टच करके देखा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। डैम्प मीन्स होता वेट, वो रेन की वजह से वेट हो गए थे, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा।
सुबह शायद अनिल मुझे 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब मेरे पास सारे के सारे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मुझे उसके भोजन नहीं पकाना पड़ेगा। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जाना होगा। और लर्न टू राइट द होल सेंटेंसेस एनी मोर, और ना ही मैं सेंटेंसेस ज़्यादा लिख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, तो चोरी की एक्साइटमेंट में ये सब कुछ बोल चुका था। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, मैं जानता था कि अगर मैं होल सेंटेंसेज सीख जाऊँगा, मतलब मैं एजुकेटेड हो जाऊँगा, तो एक दिन वो मेरे को कुछ हंड्रेड से भी ज़्यादा पैसे दिलवा सकते हैं। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये चोरी करने का एक सिंपल सा मामला था। स्टील मीन्स होता थीप, थेफ्ट, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी क्वार्टर, कई बार तो चोरी करना ऐसा होता है कि पकड़े भी जा सकते हैं। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन अगर व्यक्ति को बड़ा बनना है, क्लावर और एंड रेस्पेक्टेड, क्लावर और रेस्पेक्टेड मैन बनना का वाज समथिंग है, उसके लिए अलग कुछ करना पड़ेगा। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली लर्न टू रीड एंड राइट, मैंने अपने आप को बोला कि अगर तू पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, तो वापस अनिल के पास जाना पड़ेगा। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी से क्विकली, हरिड मीन्स होता क्विकली मूव बैक, थोड़ा नर्वस फील करते हुए वापस रूम में चला गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि किसी चीज़ को चुराना आसान है उसके बजाय कि उसको अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड का मतलब होता है अनऑब्जर्व्ड, उसको वापस रखना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को चुपके से खोला, देन स्टूड इन द डोर वे, दरवाजे में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस बादल वाली चांदनी रात में, अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अब भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिरहाने की तरफ मूव किया मैंने, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने अपने हाथ में नोट्स लिए हुए थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने अपने हाथ पर उसकी ब्रेथ को नोट किया। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, एक पल के लिए मैं शांत रहा, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ को मैट्रेस का किनारा मिल गया, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने नोट्स को उसके अंदर दे दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी, अगली सुबह मैं लेट उठा ये और देखा कि अनिल ने पहले चाय बना दी थी। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे चाय दी सर्व की। देर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी फिंगर में 50 रुपये का नोट भी था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट, सैंक का मतलब होता है कि मैं फियरफुल हो गया, टेरिफाइड हो गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मेरा खेल ख़त्म हो गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया कि उसने कुछ पैसा कल बनाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें हर रोज़ पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट्स रोज, यानी मेरी जो स्पिरिट्स थी, मेरे जो अवेयरनेस थी, कॉन्शियसनेस, वो जाग गई, जमीर जाग गया। बट वैन आई टूक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जब मैंने इसको लिया तो वो तब भी रात की बरसात से गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो जानता था लेकिन ना ही उसके लिप्स ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ शो किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन मोस्ट अपीलिंग वे, अब मैंने अनिल की तरफ मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल किया, अट्रैक्टिव वे में, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और अब की बार जो स्माइल आई वो बगैर किसी एफर्ट के। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड इट। यू हैव टू राइट ऑल द वर्ड मीनिंग डिस्कस इन द चैप्टर्स। थैंक यू।